आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत कम सामान में बनने वाला ऐसा जबरदस्त एकदम नया नाश्ता कि जो देखे वही तुरंत बना ले। और इसका नाम है चिली गार्लिक क्रेजी बाइट, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी चिली गार्लिक क्रेजी बाइट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 हरी मिर्च जिसे मैंने रफली कट कर लिया है, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और लगभग 8 से 10 लहसुन की कली। अब सबसे पहले आप लीजिए 1 ग्राइंडिंग जार और इसका 1 दरदरा सा पेस्ट तैयार करेंगे। लीजिए हमारा का पेस्ट हो गया है इस तरह तैयार। बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप चावल का आटा, 2 बड़े चम्मच बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1 कप दही, 1 कप पानी। इसका एक घोल तैयार करेंगे। अब आप गैस पर रखे एक पैन और मीडियम फ्लेम पर हम पैन में ये सारा घोल डाल देंगे। इसको बढ़िया से पकाना है जब तक कि ये बढ़िया से एकदम डो जैसा ना तैयार हो जाए। तो ये देखिए कितनी जल्दी ये डो की तरह इकट्ठा होना शुरू हो गया। बस थोड़ा सा और पकाएंगे और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया हमारा डो की तरह मिक्स तैयार हो गया है। गैस को ऑफ करेंगे और इसको निकालेंगे, हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे। तो लीजिए मिक्स हो गया हमारा हल्का सा ठंडा। इसमें से लीजिए 1 बड़ी 2 रोटी के बराबर की लोई यानी कि मिक्स, इसको ढक देंगे। अब आप लें चावल का आटा, लोई को इस तरह से हल्का सा करें कोट आटे में और इसको इस तरह से हम धीरे धीरे मोटा सा बेलेंगे। मैं यहाँ ले रही हूँ ये गुजिया वाला कटर, तो यहां से इसे कीजिए कट और ये देखिए मैंने सारे ही क्रेजी फ्राइज तैयार कर लिए हैं। मैं इसको करने वाली हूँ क्रिस्पी करारा डीप फ्राई। ऑयल हो गया है हमारा बढ़िया गरम। याद रखिए कि इस स्नैक्स को हम मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे जिससे ये बिल्कुल क्रिस्पी भी बनेंगे, बिल्कुल फटेंगे नहीं और बिल्कुल भी ऑयल अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। जितनी कढ़ाई में स्पेस हो उस हिसाब से आप क्रेजी फ्राइज को डालें। और ये देखिए अपने आप ऊपर आ गए हैं और हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं। इस स्टेज पर मीडियम हाई से फ्लेम आप मीडियम कर दें। अब आप एक चम्मच से इनको उलट पलट करें और रोटेट कर दें जिससे कि सब तरफ से ये गोल्डन फ्राई हो जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा क्रिस्प गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इस स्टेज पर अपने चिली गार्लिक क्रेजी बाइट्स को निकाल लेंगे। वाओ ये देखिए, और आपने देखा बिल्कुल भी ऑयल अब्सॉर्ब नहीं किया है, एक बूंद भी नहीं। इसे निकालते हैं एक प्लेट पर और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा झटपट बनने वाला कम चीजों से सुपर क्रिस्पी टेस्टी चिली गार्लिक क्रेजी बाइट्स। लग रहे हैं ना एकदम मस्त।